بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुन निसा आयत नंबर 22-24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء सबीला। और ना निकाह करो उनसे जिनसे निकाह किया तुम्हारे बाप दादा ने, ऐसी औरतों में से उनसे निकाह मत करो। हाँ, इल्ला मा कद सलफ, मगर जो पहले हो चुका है। बेशक ये इंतहाई बेहयाई और काबिल नफरत हरकत है और बहुत ही बुरा रास्ता है। आयत नंबर 23। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم اللاتي في حجوركم من النسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। हराम कर दी गई तुम पर निकाह के लिए तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारे भाइयों की बेटियाँ यानी भतीजियाँ और तुम्हारी बहनों की बेटियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया हो तुम्हें और तुम्हारी बहनें दूध शरीक और माएँ तुम्हारी बीवियों की यानी सास तुम्हारी सास और तुम्हारी बेटियाँ वो बेटियाँ जो परवरिश में हो तुम्हारे तुम्हारी बीवियों के पहले शौहर की औलाद जिनसे तुमने निकाह के बाद खुलूत का रिश्ता कायम किया हो। हाँ, और अगर नहीं तुमने खुलूत का रिश्ता कायम कर पाए उनसे तो नहीं कोई हर्ज या कोई गुनाह तुम पर कि तुम उनसे निकाह कर लो।
और बीवियाँ तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारे सुलभ से हों, जनरेशन में से हों, यानी कि बहुएँ वगैरह। और ये कि तुम निकाह में रखो एक ही वक्त में दो बहनों को, सगी बहनों को, मगर जो पहले हो चुका, बेशक अल्लाह है मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला। आयत नंबर 24। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। और ये भी तुम पर हराम कर दिया गया है कि तुम निकाह करो शहर वाली औरतों से, मगर जिनके मालिक हो तुम्हारे दाहिने हाथ, जायज़ तौर से फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ने तुम पर, और हलाल की गई तुम्हारे निकाह के लिए जो उसके अलावा औरतें हैं, तुम चाहो तो शादी कर सकते हो इन लोगों से। माली ज़िम्मेदारी उठाते हुए अपने निकाह में उन्हें लाने के लिए, ना कि सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए तुम लेकर आओ उनको। फिर अगर तुमने खुलूत का फ़ायदा उठा लिया उनसे, फिर अदा करो उनको उनके मेहर तयशुदा, जो भी फ़र्ज़ किया गया है वो मेहर उनको अदा करो। और नहीं कोई गुनाह तुम पर इस बारे में कि तुम्हारी आपस की बहम रज़ामंदी हो जिस पर मेहर तय करने के बाद, बेशक अल्लाह खूब जानता है, हिकमत वाला है। من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح ربي زدني علما। ان شاء الله سورة نساء آیت نمبر 22 سے دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت میں نے آپ کو کل کر دی تھی کہ دور جہلیت میں کس طریقے سے جو لوگ ہیں کسی کو بھی اپنی بیوی بنا لیتے تھے زبردستی، لوگ سوتیلی ماں سے بھی جو ہے وہ نکاح کر لیتے تھے، سوتیلی بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے، یعنی اس طریقے سے۔ اور دیکھیے کہ एक जो हमारे समाज में एक जो कॉन्सेप्ट है सौतेला पना का, तो देखिए सौतेला कब होता है, लोग अगर समझिए कि एक एक किसी मर्द ने दो शादी की है तो उसको भी आपस में कहते हैं कि ये सौतेले भाई बहन है। नहीं, एक ही बाप से जो औलाद होती है वो सौतेला नहीं होता है, वो रिश्ता सौतेला नहीं होता है। बल्कि एक औरत अगर कई मर्दों से अगर उसने शादी करी है एक के बाद एक, उसके जो बच्चे होंगे वो रिश्ते में वो चीजें होती है। लेकिन हमारा समाज तो एक ही बाप की दो बीवियों के बच्चों को भी सौतेला कहते हैं, तो ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही नसब है, एक ही खून है, तो उसको सौतेला नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ तक के यानी कि लोग इस तरीके से जबरदस्ती जो है वो निकाह कर लेते थे। तो अल्लाह सुभान व तआला आयत नंबर 22 में क्या फरमा रहे हैं, वलतां कि हु मन कह अबाउकुम मिनसाई इल्ला मा कद सलफ, और नहीं तुम निकाह करो जिनसे निकाह किया तुम्हारे बाप दादा ने औरतों से, हाँ मगर जो पहले हो चुका है, तो वो इट्स ओके। अल्लाह सुभान व तआला का ये अंदाज बहुत खूबसूरत लगता है कि कोई ये कहे कि ओहो पहले के लोग तो ऐसा करते थे। देखिए ये बहुत बड़ी दलील है इस चीज की कि अगर आपके बाप दादा कुछ भी काम करते थे, आपके पास अगर सही चीज आ गई है, सही बात आ गई है, सही तालीम आ गई है, तो अल्लाह तआला बोल रहे हैं जो हो चुका है पहले उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो कि तुम्हारे बाप दादा क्या करके जा चुके, उन्होंने गलत किया उनका वबाल उनके ऊपर आएगा। लेकिन अब अल्लाह का जो हुक्म आपके पास आया है
तो आपके उस आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब क्यों अल्लाह सुबहान ताला जो है वो मना कर रहे हैं कि जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं उनसे तुम निकाह मत करो। अब देखिए यहाँ पर जो है वो वला तन के हूँ स्पेशली मर्दों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मर्द कोई भी उन औरतों से निकाह ना करें। अब इसमें देखिए कि इसमें वो लोग आ जाते हैं जैसे कि माए आ गई, और इसी तरीके से अगर समझिए कि कोई अगर किसी की चाची है तो वो भतीजा उससे निकाह नहीं कर सकता। कब तक? जब तक के समझिए कि यानी कि उसके चाचा उसके निकाह में इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से फिर जो ससुर होता है उससे बहू, चाहे उसका शौहर दुनिया में हो या ना हो, वो उससे निकाह कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं। चाहे उसकी जो है कभी भी हो, वो ससुर जिंदगी भर उसका ससुर ही जो रहेगा वो कभी भी निकाह नहीं कर सकती। तो ऐसे कुछ रिश्ते महरम गैर महरम अल्लाह सुभान व तआला ने जो है वो आगे लिस्ट बताई है, इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं। और अल्लाह सुभान व तआला क्यों मना कर रहे हैं कि क्यों ऐसा मत करो, क्योंकि इन्नहु काना फाहिशा, क्योंकि ये तो बेहयाई के काम है। सोचिए जरा, मुझे जब देखिए कि इन आयतों को जिस तरीके से समझना चाहिए, जब ये आयतें समझ आई तो वाकई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। देखिए कि उसको इस चीज की तमीज है कि क्या महरम है क्या गैर महरम है। एक मर्द जिस नजर से अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को देखता है वो उस नजर से किसी और औरत को नहीं देख सकता है, या किसी और औरत को जिस नजर से देखता है उस नजर से कभी भी वो अपनी मम्मी को या अपनी बहन को यानी उनको नहीं देख सकता है। तो ये महरम रिश्ते हैं, ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कि देखिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने एक हया मर्द के अंदर रखी है कि जिस तरीके से वो महरम रिश्ते को देख गैर महरम रिश्ते को देखता है वो महरम रिश्ते को उस तरीके से नहीं देख सकता है। और जो लोग इस रिश्ते को पामाल करते हैं तो देखिए कि उनको भुगतान भी भुगतना पड़ता है। अगर ये ऐसी चीजें नहीं होती है, अल्लाह सुभान व तआला इंसान की फितरत में ये चीजें नहीं रखते, तो सोचिए कि माँ बाप तो कभी सगे भाई बहन को घर में छोड़कर जाने को भी सोचते थे। वो है बाहर, उनका पूरा ध्यान लगा रहेगा कि मेरे घर में एक मतलब मेरा बेटा है एक बेटी है। तो अल्लाह सुभान व तआला ने फितरत में ये चीज रखी है कि जो लड़का एक किसी गैर लड़की के साथ कर सकता है वो अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता वो चीजें। तो ये एक हया, एक ये महरम रिश्ता अल्लाह सुभान व तआला ने देखकर इंसान के ऊपर बहुत बड़े नियामत एक नियामत के तौर पर अल्लाह सुभान व तआला ने दिया है, इस चीज को फितरत में रख दिया है। अभी देखिए कि जब इंसान अल्लाह के हुदूद से बाहर निकलता है तो फिर जाके ये सारे रिश्ते पामाल हो जाते हैं। ये देखिए कि हालांकि देखिए बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने होंगे कि मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सगे रिश्तों को भी जो है बिल्कुल भी उसका एहतराम नहीं करते हैं, सगे रिश्तों में भी बहुत सारी जो है ऐसी गलत चीजें डाल देते हैं। तो देखिए कि वो है अल्लाह की हदों से बाहर निकल गए हैं वो, यानी इस तरीके से। अब ये देखिए कि महरम रिश्ते हैं तो माँ बाप बेफिक्री से अपने एक यानी एक जवान बेटा है या बेटी है उसको जो है वो घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके बाद अगर आपको याद हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस की 10 साल का जब बच्चा हो तो उसका बिस्तर अलग कर दो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपने कभी इस हदीस पे गौर किया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है? क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है ये इस तरीके की मतलब ऑर्डर्स देने का या इस तरीके से अमल करने का? तो ये देखिए कि इंसानी नेचर जो अल्लाह सुभान व तआला ने बनाया है, एक चीज अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान की फितरत में रख दिया है। अब वो क्या है? मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, औरत मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, सिवाय महरम रिश्तों के। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोच एक गैर महरम के लिए मर्द रखता है वो महरम रिश्तों में के लिए नहीं रखता है, वो कभी भी नहीं रखेगा। वो अगर उसको तकवा वाला होगा, अल्लाह का खौफ उसके अंदर होगा। तो ये देखिए आप कि जिस तरीके से अगर एक जो मेंटेलिटी होती है बच्चों की वो 10 साल से थोड़ी सी चेंज होने लगती है, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत में जो चीज अल्लाह ने रखी है वो चीज उसको नजर आने लगती है ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि कोई अगर ऐसा करता है, क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में अल्लाह ने रखा है। अब अल्लाह सुभान व तआला ने उसी के लिए हमें ये महरम और गैर महरम रिश्ते बताए हैं कि किस तरीके से आप जो है वो गलत चीजों से बच सकते हो। फिर निकाह का हुक्म दिया है, फिर अगली कुछ आयतों में जो है वो, जैसे कि पहले भी हम टॉपिक जो चलता चला आ रहा है निकाह के टॉपिक पे ही चल रहा है सूरह निसा शुरू से ही, निकाह का हुक्म इसीलिए दिया है कि एक सही वक्त पर सही टाइम पर जो है वो अगर एक लड़का लड़की का निकाह हो जाए तो वो बहुत सारी गलत चीजों से बच सकते हैं।
फिर एक मसला आता है, जब निकाह करने का मसला आता है तो सबसे पहला मसला आता है कि किसे किया जाए, किसे किया जाए। फिर उसमें भी आगे आगे मसला होते हैं कि यानी कि ऐसे, तो ये देखिए कि आगे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें अल्लाह सुबहान तआला ने बहुत आसानी कर दी है एक इंसानों के लिए कि किस तरीके से आपको निकाह करना है, निकाह में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस। देखिए, दुनिया के ताल्लुक से टर्म्स एंड कंडीशंस मत देखिए। आज का निकाह तो अल्लाह की पनाह कि लोगों ने इस कदर मुश्किल कर दिया है कि लोग निकाह करने को सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने और उसके रसूल ने निकाह को बहुत आसान किया है। आपको हैरत होगी जब आप इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत से निकाह के ताल्लुक से जब बातें आपको समझ आएंगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि ये ऐसा मत करो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये क्या है, इंतहाई बेहयाई का काम है और नाकाबिल, ये बिल्कुल भी काबिल नफरत काम है और बहुत बुरा रास्ता है। जाहिर सी बात है ना, एक देखिए कि एक शख्स एक एक औरत है, उससे तुम्हारे बाप ने निकाह किया, फिर उसी से तुम कर लो, तो रिश्ता क्या रिश्ता बनेगा, इसका है कोई रिश्ता, इस रिश्ते को तो क्या नाम दिया जाएगा। तो अल्लाह ने मना कर दिया, जो लोग उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आगे देखिए कि आप अगली आयत को आप इस तरीके से जो है नोट कर सकते हैं कि महरम रिश्ते कौन से। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताएगा कि महरम रिश्ते बोले तो क्या होते हैं, महरम रिश्ते मतलब जहां औरत पर्दा नहीं करती है। नहीं, ये ऐसा कोई, ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे निकाह नहीं हो सकता। वेरी गुड, जिससे निकाह नहीं हो सकता, इट्स ए करेक्ट आंसर। ये ऐसी लिस्ट है कि आप इनसे कभी निकाह नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन लोग हैं वो इंशाल्लाह देखते हैं। आप देखिए, अब इट्स अंडरस्टूड कि अल्लाह सुभान व तआला ने जिनसे निकाह नहीं कर सकते हैं उसकी लिस्ट दे दी है। अब इस लिस्ट को आप एक तरफ रखिए और इसके अलावा बाकी हर औरत से मर्द निकाह कर सकता है, किसी भी औरत से कर सकता है इसके अलावा। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है और अल्लाह सुभान व तआला की आयत क्या कहती है देखते हैं, चलिए। ओके, आयत नंबर 23 ऑफ सूरह निसा, हुर्रिमत अलैकुम। हुर्रिमत का मतलब होता है हराम कर दी गई तुम पर। क्या हराम कर दिया गया? निकाह के लिए। ये जो लिस्ट तुम्हें औरतों की दिखाई जा रही है, तो ये लिस्ट में जो औरतें, जो जो रिश्ते तुम्हें बताए गए हैं, इनसे निकाह करना तुम पर हराम कर दिया गया है। सबसे पहली लिस्ट में जो नाम आ रहा है, उम्महातुकुम, तुम्हारी माए, तुम्हारी माए, चाहे वो सगी हो सतेली, तुम्हारे बाप की निकाह में है ना, तो तुम उससे निकाह नहीं कर सकते, ठीक है, निकाह बिल्कुल नहीं कर सकते हो। नंबर टू, नंबर टू नंबर पे कौन है, वह बना तुकुम, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बेटियां। फिर यहां पर देखिए कि फिर आता है कि सगी बेटी के सौतेली बेटी, तो वो आगे भी आ रहा है। ये कौन सी बेटी? तुम्हारी सगी बेटी जो तुम्हारी नस्ल से है, बिल्कुल एकदम। वह अखवा तुकुम, तुम्हारी बहने। अब देखिए यहाँ पे सगी बहने हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन है, ये सगी बहने हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप जो है वो कजिन और ये सब बिल्कुल नहीं ले सकते, यहाँ पे सगी बहने बोले तो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की बेटियां हैं, वो तुम्हारी सगी बहने हैं, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो अम्मा तुकुम, और तुम्हारी फूफिया, सगी फूफिया, तुम्हारे अब्बा की सगी बहने, कजिन वजिन नहीं चलेगा, कुछ भी दूर की कजिन है नहीं चलेगा, दूर की कजिन है तो आप उनसे निकाह कर सकते हो, लेकिन सगी, अगर सगी तुम्हारे वालिद की सगी बहन है, उनसे आप निकाह नहीं कर सकते हो। वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी मम्मी की सगी बहने, उनसे निकाह नहीं कर सकते हो। दूर की कोई खाला वाला है तो निकाह हो सकता है, उसे उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रिश्ते बिल्कुल करीबी दिए गए हैं और इसमें कजिन वगैरह का कोई दखल अंदाजी नहीं है। अच्छा, वो बना तो अखी, और तुम्हारे भाई की बेटियां, ये कौन हो गए, भाई की बेटी बोले तो कौन होती है, भतीजी, यस भतीजी। अब सगे भाई की सगी बेटियां, हाँ, कोई ये बोले अरे वो मेरा कजिन भाई था, उसकी बेटी है, मैं उससे निकाह नहीं कर सकता, नहीं, कजिन भाई वो किधर का है क्या मालूम नहीं, तुम्हारे जो सगे भाई हैं उसकी, उनकी जो सगी बेटियां हैं, भाई की बेटियां जो हैं,
उनसे निकाह नहीं कर सकते हो और भांजियों से भी नहीं कर सकते हो, कह सकते हो। अब आप बोलो कि अरे ये तो मतलब दूर के रिश्ते की मेरी भांजी है, मैं इससे नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अच्छा, और कौन है? और तुम्हारी बहनों की बेटियां, ये हो गया भांजियां, और तुम्हारी वो माएं, लिसन केयरफुली, तुम्हारी वो माओं से भी तुम निकाह नहीं कर सकते जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। ये कौन सी माँ है? एक जो उम्मा हातुकुम गई, ये बिल्कुल रियल माँ जिसको कहते हैं, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उससे निकाह नहीं कर सकते हो। और ये जो है, अब ये कौन है? तुम्हारी जो जिन माओ ने दूध पिलाया, क्योंकि देखिए जिस टाइम आयते उतर रही थी तो उस वक्त ऐसा था कि औरतें अपना दूध ना पिलाते हुए किसी और से दूध पिलवाती थी। आज भी ये चीजें हैं, लेकिन जो लोग पिलाते हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए कि अगर उस बच्चे ने दो सीप भी ले लिया एकदम मुंह भर के और उसके पेट में वो उतर गया, तो फिर वो तुम्हारा रजाई भाई हो जाएगा। और ऐसी औरतों का जिसने दूध पिया है तो वो लड़का भी उस औरत से निकाह कभी नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप अल्लाह की आयतों पे गौर करें तो अल्लाह की हिकमत आपको समझ आएगी कि क्यों अल्लाह सुभाना ताला ने जो है वो, अच्छा ये भी सुन लीजिए कि जिस औरत का किसी मर्द ने दूध पिया है तो उस औरत ने जिसको दूध पिलाया होगा उससे वो कभी निकाह नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो दूध शरीक बहने भाई होती है उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। और देखिए ये लोग इतना इसको लाइकली लेते हैं, बिल्कुल इतना इतना मतलब कि इतना अहमियत नहीं देते हैं, उठते सुटते किसी को भी दूध पिला देंगे, किसी के भी बच्चे को पिला देंगे। बहुत हैरत होती है मुझे कि लोग एहतियात क्यों नहीं करते। फिर आगे चल के देखिए कि ला इल्मी में अगर समझे निकाह हो गया तो उसका क्या हल होगा? वो रिश्ते तो महरम थे ना, तो उसको गैर महरम रिश्ते तो थे नहीं, महरम रिश्ते थे वो। तो ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें कि किसी से भी अपने बच्चों को यूं ही दूध मत पिला दो, और अगर किसी ने पिला दिया तो उसको बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। फिर उसके बाद आगे जो आई है बात, हाँ, और तुम्हारी जो बहने हैं, दूध शरीक बहने, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हो गई, और माए तुम्हारी बीवियों की, ठीक है, माए तुम्हारी बीवियों की बोले तो ये क्या है? बीवी की माँ कौन होती है? सास। यस, सास होती है। बीवी की माँ यानी कि सास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी अम्मी मेरे शोहर की सास है, तो मेरे शोहर मेरी मम्मी से कभी निकाह नहीं कर सकते, इस तरीके से। यानी सास और दामाद का कभी भी निकाह नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। बीवी है या नहीं है तो भी नहीं हो सकता उसका, ठीक है। फिर उसके बाद और किससे नहीं कर सकते? वरबाइबुकुम, और तुम्हारी जो मतलब के, और तुम्हारे बेटियां। ये कौन सी बेटियां हैं? ये वो बेटियां हैं वो जो परवरिश में आई हैं तुम्हारे, तुम्हारी बीवियों के पहले शोहर की औलाद है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मर्द किसी औरत से शादी करके लाया, किसी औरत को शादी करके लाया है, अब वो औरत अपने साथ कुछ बच्चियों को लेकर आ रही है पहले शोहर से। अब ये जो अभी इन बच्चों का फिलहाल जो ये बाप है, ये इन लड़कियों से निकाह नहीं कर सकता। इसकी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है इसकी, कि कब निकाह नहीं कर सकता है? अगर उसने जिस औरत से निकाह किया है उससे उसने सेक्सुअल रिलेशन कर लिया है, उससे उसने ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, अब इन बेटियों से निकाह नहीं कर सकता है वो। हाँ, लेकिन अल्लती दखल तू बिहिन्ना, जबकि तुमने निकाह के बाद खुलूत का रिश्ता कायम कर लिया हो, तुमने जो है रिलेशन कायम कर लिया हो, ठीक है, दखल तुम इसीलिए वर्ड आया है कि तुमने रिलेशन कायम कर लिया हो। हाँ, लेकिन इल्लम तकूनु दखल तू बिहिन्ना, फिर अगर नहीं तुमने उनसे रिश्ता कायम किया है, फला जुनाह अलैकुम, तो फिर अगर तुम उनसे निकाह कर लो तो कोई भी गुनाह की बात नहीं है। अब ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, इस मर्द ने उस औरत से निकाह किया, वो औरत अपने साथ कुछ बच्चियों को लेकर आई है, लेकिन इन एनी सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि इसने उसको तलाक दे दिया और रिश्ता भी कायम नहीं हुआ है, अब ये औरत जो है वो, यानी अब इसकी बीवी नहीं है, हाँ, लेकिन रिश्ता कायम नहीं किया है, अब चाहे तो वो उसकी बेटियों से शादी कर सकता है। आ रही बात समझिए? अगर रिश्ता कायम कर लिया तो उन बेटियों से कभी निकाह नहीं कर सकता, और अगर समझो निकाह हो गया, ठीक है, लेकिन रिश्ता कायम नहीं हुआ है और छोड़ दिया है, तो उसकी बेटियों से निकाह कर सकता है।
देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुभान व तआला जो है इन बातों को समझा रहे हैं। फिर इसके बाद वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे जो बेटे की बीवियां हैं, बेटों की बीवियां बोले तो बहू 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 से कभी भी ससुर निकाह नहीं कर सकता, चाहे उसके उसका बेटा दुनिया में हो या ना हो, कभी भी नहीं कर सकता है वो निकाह। अच्छा क्यों? क्योंकि अल्लज़ीना मिन असलाबिकुम, क्योंकि वो जो हाँ वो बीवियां वो जो तुम वो बेटे तुम्हारे जो तुम्हारी नस्ल में से, सगे बेटे की बीवी से ससुर कभी भी निकाह नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सौतेले बेटे की, तो इसकी दलील आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह वाले बेटे जो हजरत जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुंह वाले बेटे थे। अब अल्लाह सुभान व तआला ने कि मतलब मुंह वाले बेटे की बीवी से निकाह कर सकते हैं, मतलब कभी, जैसे कि पूरा केस इंशाल्लाह सूरह हुजरात में जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह अहज़ाब तकरीबन सूरह अहज़ाब या हुजरात में, कि वहां पर अल्लाह सुभान व तआला ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उनका जो है वो निकाह तुड़वाया, तलाक करवाया, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करवाया, ये बताने के लिए कि आप अपनी उम्मत को मैसेज दे दीजिए कि दीन इस्लाम में और अल्लाह की नजर में मुंह बोले रिश्तों का कोई कोई अहमियत नहीं होती है। यानी कि लोग सोचे हाँ मुंह बोले रिश्ते हो गए तो ये हमारा अभी ये भी हमारा महरम हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप उनसे कभी भी जो है वो मतलब जो महरम रिश्ते हैं सिर्फ उन्हीं से आप निकाह नहीं कर सकते हो, गैर महरम रिश्ते हैं उन वो किसी भी कंडीशन में उनसे निकाह हो सकता है गैर महरम रिश्तों में। आगे चलिए, आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे, वंग तजमाउ बैना, और ये भी तुम पर हराम कर दिया गया है कि तुम जमा करो एक ही वक्त में दो बहनों को, उख्तैनी, दो बहनों को एक जगह जमा करो। इसका मतलब क्या हुआ? एक बहन मतलब, एक ही घर में दो बहनों से निकाह नहीं होती है। हाँ, जुमले को दुरुस्त करो रिजवाना, क्या है वो? एक ही आदमी दो बार मतलब उसी घर में दो बहनों से शादी नहीं कर सकता, बराबर? अभी भी जुमला दुरुस्त करो, वो इतना सही है तुम्हारा कि एक आदमी दो बहनों से एक ही वक्त में एक साथ निकाह नहीं कर सकता, ये है सही जुमला। ये सही जुमला क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक मर्द एक बहन से उसने शादी किया है और उस मतलब कि अभी बहन जिंदा है, वो उस घर में है और वो दूसरी बहन को भी लेके आ गया है, ये सख्ती से मना किया गया। तो आप में से कोई बताएगा मुझे कि क्यों अल्लाह सुभान व तआला ने मना किया है, क्या वजह हो सकती है? आपके जहन में क्या आता है कि क्या वजह हो सकती है, बताइए? बहनों में ना इतनी तरह ज्यादा झुकाव होएगा। चलिए ठीक है, दोनों का आंसर दुरुस्त है कि हो सकता है कि एक एक की तरफ अट्रैक्ट हो तो दोनों में ना इत्तेफाकी हो जाए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। यानी ये देखिए कि सख्ती से मना किया गया, चलिए ये तो है दो बहनों की बात आगे। इसी तरीके से हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक हदीस का मफहूम है कि यहाँ तो बहने दिया गया है लेकिन एक वक्त में दो सगे रिश्ते यानी भांजी और खाला को जमा नहीं कर सकता कोई शख्स, और भतीजी और पुप्पी को कोई शख्स जो है वो जमा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी इसका मतलब कि अगर समझिए कि एक शख्स के निकाह में कोई एक औरत है और वो उसी सेम टाइम पे उसकी खाला जिंदा है और वो किसी उसकी भांजी से निकाह कर ले, ये सगे रिश्तों में दरार डालने की जो है वो सबब बनती है, ना इत्तेफाकियां होती है, तो अल्लाह सुभान व तआला ने इसीलिए सख्ती से मना किया है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए कि ये अभी कुछ टाइम पहले ही आए थे, जब मैं पढ़ा रही थी क्लास में तो कोई बता रहा था कि एक शख्स ने निकाह किया है और ये दोनों साथ में रहते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये अल्लाह की आयत की खिलाफ वर्जी करना है, अल्लाह की हद से बाहर निकल जाना है। फिर ऐसे लोगों को देखिए कि बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है, यानी दुनिया में तो खैर उठाता है लेकिन आखिरत में भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। हाँ लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं इल्ला मा कद सलफ, लेकिन पहले जो लोग कर चुके उसको छोड़ दो। फिर देखिए बात आ गई, कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा करते थे वो तो ऐसा करते थे, अल्लाह ताला बोले छोड़ दो उसको। ठीक है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया था तो लोग करते थे,
लेकिन अब इंसान को पता चल गया है, अब्बा का हुक्म आ गया है ना, तो फिर अब किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सोच लो कि इन्नवाह काना गफूर और रहीम, बेशक अब्बा है बहुत बख्शता रहम करता। ये क्यों आयत के आखिर में आया है? ये इसलिए आया है कि ये जो महरम रिश्ते बताए गए हैं, तो इसमें से अगर किसी ने पहले ऐसी कोई गलती की है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं बख्शने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, तो अगर कोई ऐसा कर चुका है तो अल्लाह के हुजूर में वो माफी मांग ले तो अल्लाह ताला जो है उसको माफ कर देंगे। तो यहाँ पर बात जो पूरी हो रही है वो यहाँ पर हो रही है आयत नंबर 24 में, और हराम कर दिया गया है तुम पर क्या, वल मुहसनातु, हराम कर दिया गया है तुम पर शोहर वाली औरतें, उनसे भी तुम निकाह नहीं कर सकते हो। जो औरतें शादीशुदा है, एक औरत शादीशुदा है और दूसरा शख्स उससे निकाह नहीं कर सकता है, फिर क्या होता है मालूम, कि अगर वो उससे निकाह कर लेगा तो वो पहले शोहर की तरफ से भी उसकी तवज्जो हट जाएगी। तो ये बहुत सख्ती से मना किया गया है। और इल्ला, इल्ला यानी कि ठीक है, अगर तुमको करना ही है तो इल्ला मामला का तैमानुकुम, तुम्हारी जो भी मतलब कनीज है, बांदिया है, सर्वेंट वगैरह है। लेकिन ये देखिए, ये आयत उस टाइम की है, आज कोई इस आयत पर अमल करने के लिए अपने नौकरानी से निकाह नहीं कर ले कि अरे माँ मला का तैमान हुकुम आया कुरान में, तुम्हारे दायने हाथ मिल्कियत में जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे सर्वेंट कनीज वगैरह हैं, तो चलो हम कर ले। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि एक 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 आयत के खुलासे में कि उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ये अल्लाह की तरफ से भी एक क्वेश्चन को ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दे रहे हैं कि आगे जो है गुलामी का दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये उस वक्त के गुलाम वगैरह होते थे, ये बेचारे जो है वो दुखियारे, गम के मारे और बिल्कुल यानी थके हारे, कहीं से भी यानी इनका कोई सहारा नहीं होता था, तो इनको सहारा देने के लिए उनके मालिक जो है वो अपने पास रखते थे, उनसे रिलेशन कायम करते थे। तो देखिए उस वक्त अल्लाह ने इजाजत दी थी तो इसलिए किया जाता था, लेकिन इसकी अब इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किताब वाही अलैकुम, फर्ज कर दिया है अल्लाह ने तुम पर। देखिए फर्ज कर दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से फिक्स किया गया है, आप और मैं बिल्कुल भी अपनी अकल इसमें नहीं लगा सकते। वैसे भी अल्लाह के हुक्म पर अकल का कोई दखल नहीं है, तो आप और मैं बिल्कुल भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश ना करें महरम रिश्तों से निकाह करने के लिए। तो इंशाल्लाह फिलहाल यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आयत नंबर 24 ऑफ सूरह निसा, इस पूरा हुआ भी नहीं है 23 तक ही, और आगे जो है वो निकाह के मसाइल जो आ रहे हैं इंशाल्लाह उसको देखेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। देखिए आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 24 का एक हिस्सा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, उसी आयत में अगला हिस्सा जो है अब अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं। अब तक कौन सी कैटेगरी आ रही थी, किससे निकाह नहीं कर सकते, अब यहाँ पर आगे कुछ आयतों में आई थिंक तकरीबन कुछ 26 तक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि निकाह के 5 यहाँ पे अरकान कौन से दिए हैं, 5 ऐसी जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो निकाह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जैसे कि आयत का अगला हिस्सा है वअहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, और हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए जो इन सब के अलावा है। इन सब के अलावा यानी कि जो भी हराम यहाँ पे मुहर्रम जो भी रिश्ते बताए गए थे, महरम रिश्ते, तो हाँ तो उसके अलावा, अब इसके अलावा जो भी रिश्ते हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम उनसे निकाह कर सकते हो। तो देखिए हमारे समाज में कितनी बातें हैं ऐसी, इससे निकाह नहीं कर सकते, उससे निकाह नहीं कर सकते, बड़े अब्बा के बेटे से नहीं कर सकते, चाचा की बेटी से नहीं कर सकते, मामा की बेटी से नहीं कर सकते, तो ऐसे तो कहीं भी अल्लाह ने किताब और सुन्नत में नहीं बताया। तो देखिए हम समाज को अहमियत देंगे या फिर हम जो है वो अल्लाह के हुक्म को अहमियत देंगे यहाँ पर, तो ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा गौर तलब बातें हैं। इसलिए देखिए कि जब अल्लाह की किताब को हम समझते हैं तो बहुत सारी बातों का खुलासा हमारे सामने हो जाता है, बहुत सारी बातों से हमारी नजरों से पर्दे अल्लाह ताला हटा देते हैं जो समाज के और बाप दादा के दीन के कल्चर का हमारे आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ होता है। तो इसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अब देखिए, अब इसके अलावा सब तुम्हारे लिए हलाल है, हाँ लेकिन निकाह का मकसद क्या होना चाहिए, तो नंबर 1
निकाह का मकसद तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम तलब करो तुम्हारे माल को। और तुम निकाह क्यों करो? निकाह उस औरत को निकाह में लाने के लिए जो है वो निकाह करो। यहाँ मोहसिनी आया है देखिए, और ना कि तुम जो है वो बस जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मत उससे निकाह करो। बदकारी करने के लिए निकाह मत करो, एंटरटेनमेंट के लिए निकाह मत करो। इसी में वो सारी चीजें आ जाती है जिसको अल्लाह सुभान व तआला ने मना किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह होता है, टेम्पररी बेस पे निकाह होता है कि भाई जमा तो ठीक नहीं तो जाने दो, ये सारी चीजें गैर मुसाफिहीन में आएगा, सब चीजों को ये नफी करता है। तो सबसे पहला, जब कोई जोड़ा निकाह करने का इरादा करे तो वो लड़के की नियत क्या होनी चाहिए कि मैं तुमको जो है वो अपनी निकाह में इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी लेना चाहता हूँ। मुहसिन देखिए कि ये किले को भी कहा जाता है, मजबूत किले को कहा जाता है। जिस तरीके से एक इंसान एक किले में, फोर्ट में अपने आप को सेफ फील करता है, उसी तरीके से जब एक लड़की किसी लड़के के निकाह में जाती है तो शी फील वेरी सेफ, उसके अंडर में अपने आप को बहुत सेफ फील करती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि तुम उसको अपनी हिफाजत में लाने के लिए निकाह करो। ये बात हो गई। अच्छा, और फम्मा, फिर नहीं तुम फायदा उठाओ उससे, उनसे, और नहीं जो में जाएगा, और जो तुम फायदा उठा लो उससे, उस निकाह से, मिनहुन्ना उन औरतों से, तो फआतुहुन्ना, फिर दे दो उनका उजूर। उजूर यानी कि यहाँ पर मेहर के मानी में लिया गया है कि उनका मेहर उनको दे दो, फरीजतन यानी कि जो भी मुकर्रर किया गया है, फर्ज किया गया है। तो क्या पता चला कि मेहर जो होता है वो उस लड़की का हक होता है। इस मेहर के टॉपिक पे अल्हम्दुलिल्लाह पीछे काफी बातें हमारी हो चुकी है, इन डिटेल मैंने आपको बता दिया कि मेहर पर लड़की का हक होता है और हमारा समाज क्या कहता है कि मेहर पर लड़की के बाप का हक होता है। तो नहीं, मेहर कितनी बांधी जाए, लड़के के जो है वो उसके जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग। लड़का अगर 100 में कमाता है तो 100 में आपकी मेहर बांधेंगे आप अपनी बेटी का, हजारों में कमाता है तो हजारों में, लाखों कमाता है तो लाखों में। तो मेहर किस पर डिपेंड होगा? लड़की की कमाई पर, ना कि उसके बाप दादा की जायदाद को देखकर, आप जो उसकी प्रॉपर्टी को देखकर, घर बार को देखकर आप जो मेहर बांधेंगे। ये बहुत बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का, क्योंकि देखिए अदा किसको करना है? लड़के को करना है। तो आप लड़के की इनकम देखिए, उसके हालात देखिए, उसके हिसाब से आप जो है मेहर को फिक्स करिए। अब अल्लाह ताला यहाँ भी बता रहे हैं, वला जुनाह अलैकुम, और नहीं है गुनाह तुम पर, फीमा, इस बारे में, के तरा दई तुम, के आपस में तुम्हारी रजामंदी हो, जिस पर, उसके बाद जो तुमने फर्ज कर लिया है। अब ये क्या बात हो गई? अब ये क्या बात हो गई कि यहाँ पर समझिए कि मेहर जो फिक्स हो गया है, ठीक है, अब अल्लाह ताला ने ये बता दिया, एक बार मेहर फिक्स हो गया है तो ये चॉइस है लड़की की, चाहे तो वो फौरन मेहर जो है वो ले ले, या फिर वो थोड़ा सा डीले भी कर सकती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा, जब आपके पास होगा जब दे दीजिएगा, लेकिन अफजल तरीका यही है कि फौरन अदा कर दिया जाए। और नहीं तो हाल ये होता है लोगों का कि इस चीज को अहमियत नहीं देते हैं और ना जाने दुनिया की क्या क्या झमेले और क्या क्या बुराइयां जो है शादी ब्याह में कर लेते हैं और इतने रस्म रिवाज कर लेते हैं, और इस चीज को अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में जो हुक्म दिया है उसको अहमियत नहीं देते। इत्तेफाक हुआ था, मेरे सामने की बात है कि पेरेंट्स मुझे अपने साथ ले गए थे कि हमारे बेटा है उसका जो है वो चलिए डेट वगैरह रखनी है, वो हम आपको ले जाना चाहते हैं, मुझे और मेरे शौहर को ले गए। खैर वो, और खामोश बैठे थे हम लोग, और जब वहां पर जब मेहर की बात आई तो उस लड़की के बाप ने कहा कि 25,000 मेहर बांधना है। तो लड़के का बाप एकदम खड़ा हो गया, 25,000? तो मैंने कहा 25,000 आज के टाइम में क्या बात है, और जिस लड़की की शादी थी वो 40,000 का तो मोबाइल ही यूज करता था सिर्फ। मैंने कहा 25,000 में आता क्या है आज के टाइम में, कोई उन्होंने 25 लाख तो नहीं कह दिया आपसे, तो ये तो बहुत मामूली सी रकम है देखी जाए तो आज के टाइम में 25,000, आपने किस बेस पे इतना ज्यादा मेहर बांधा ये वो। तो फिर मैंने समझाया बड़े ठंडे से उस लड़के के बाप को कि देखिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है देखा जाए तो।
तो यानी कि तो बहुत मामूली सी रकम है आज के टाइम में देखा जाता। और माशाल्लाह लड़का भी कमाता था, ऐसा नहीं कि नहीं कमाता था। जो लड़का 50,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो 25,000 मेहर नहीं दे सकता? और देखिए कि मोबाइल यूज कर रहा है तो उसका तो कोई सवाब भी मिलना नहीं उसको, लेकिन वो मेहर अदा करेगा तो उसपे तो उसको बहुत सारा सवाब मिलना है। तो देखिए लोगों की सोच देखिए क्या है, अपने ऊपर लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन जहाँ अल्लाह के हुक्म की बात आती है तो वहां इस तरीके की जो है वो आनाकानी करते हैं। तो खैर इत्तेफाक उसी पर हुआ, 25,000 मेहर पर ही। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब आज के टाइम पे जिस चीज को अहमियत देनी चाहिए लोग उसको अहमियत नहीं देते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस पर उस बच्ची का हक होगा, दुल्हन का हक होगा, और वो चाहे जो करे उसका। और उसके बाद जो है यानी कि यहाँ देखिए तरा दई तुम, आपस की उनकी रजामंदी होनी चाहिए। अगर लड़की कहती है फौरन अदा करो तो फौरन अदा करें। आजकल देखिए लड़कियों को भी बहुत सर पर चढ़ा के ससुराल भेजा जाता है, इतनी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के ससुराल भेजा जाता है कि इला माशाल्लाह सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो आते ही वाकई घर में जो बिगाड़ पैदा करती हैं लड़कियां, कि ऐसी ऐसी बातें देखिए कि उनको किताब व सुन्नत की माँ बाप को भी नॉलेज नहीं होती है। इसी तरीके से इतनी गलत गलत जो वो मीडिया में देखती हैं, जो सीरियल्स में देखती हैं, जो मूवीज में देखती हैं, जो आसपास में अपने समाज में वो होता हुआ देखती हैं, वही चीजें बच्चों के कान में भी भर कर भेजती हैं। तो देखिए ऐसा मत करिए, आप अपनी बच्ची की जिंदगी खुद खराब करती हैं अगर ऐसा करें जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो समझा कर भेजिए। और बिल्कुल भी ऐसे ही एक और इत्तेफाक हुआ था कि लड़की लड़के जो है आपस में है, यानी कि पहले से तय कर लिया था कि देखो तुम लाख रुपए मेहर बांधना। लड़के ने घर वालों को बताया नहीं कि मैं लाख रुपए मेहर मतलब मेरी उससे बात हो चुकी है। अब जब ऐसा हुआ कि तय करने गए कि हाँ भाई चलो कि क्या मेहर बांधा जाए, ये वो, तो उसने कहा कि लाख रुपए। लड़की बोल पड़ी वहां से कि लाख रुपए। तो बोले मेरी तो बात हो गई थी लड़के से। तो देखिए इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये खैर छोड़ देना चाहिए, समझाने का काम है हमारा, लेकिन क्या होता है बाद में फिर घर वालों को पता नहीं होता है। और लड़की का मकसद ये था कि मैं जरा अपने खानदान में जरा अपनी नाक लंबी करके दिखाऊं, कॉलर ऊंचा करके दिखाऊं कि देखो मेरा लाख रुपए मेहर बांधा था। तो ये सब बेकार की बातें, बेतुकी बातें, कोई मतलब ना जिसका सर ना पैर ना कुछ भी नहीं। तो ऐसी बेकार की बातों से क्या होता है पता है आपको कि मकसद क्या है? यहाँ देखिए कि अल्लाह सुभान ताला ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि निकाह को आसान करो। मैंने आपको बहुत सारे वाकयात इसके ऊपर बताए सहाबा को, सहाबा के ये वो, तो पीछे इसलिए बता दिया था कि यहाँ पर जो है वो हमारी लंबी बात ना हो सके। फिर तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इन अल्लाह का ना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह है खूब जानता, खूब हिकमत में हिकमत वाला है। अल्लाह सुबहान ताला ने जो अहकाम हमें दिए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह सुबहान ताला ने हमें फॉलो करने को कहा है, उसमें अल्लाह का बहुत इल्म है। अल्लाह ने अपने इल्म के बेस पे, अपने हिकमत के बेस पे हमें जो है वह यहाँ पर जो कहने को कहा है, जो भी अहकाम है उसको करने को कहा है। चलिए ये बात हो गई थी। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वसत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। ए अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता फरमा।
आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ऐ अल्लाह, इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।